एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स मेनली गाइस के तीन केस हैं और वही तीनों केस आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं गाइस। तो आज की वीडियो गाइस हम केस टू डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और इसकी बिल्कुल भी मत करना। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। गूगल इन सीडी आया है गाइस, आपका इसमें चेंज होगा, पर कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जैसे आप बनाते हो ना वैसे आप कैपिटल अकाउंट बना लो। उसके बाद गाइस बैलेंसिंग फिगर को हम किस नाम से लिख देते हैं, टू बैलेंस सीडी के नाम से। और गाइस बैलेंस सीडी किस किस का आता है, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स का। मान लो गाइस ए और सी यहाँ पे कौन है, रिमेनिंग पार्टनर्स। और गाइस बी का क्या हो रहा है, रिटायरमेंट। तो गाइस बी का पैसा हम कहाँ पे लिखते हैं, जो बी का बैलेंस आएगा कहाँ पे लिखेंगे, जो हम लोन अकाउंट में उसको हम लिख देते हैं। तो गाइस चेंज क्या आएगा, जो गाइस बैलेंस सीडी आया है ना आपका, वो आप यहाँ पे लिखोगे, वो आप रफ में लिख लोगे। मान लो गाइस ए का बैलेंस आ रहा है आपका 10,000 और गाइस सी का बैलेंस आ रहा है कितना, 20,000। क्लियर गाइस? उसके बाद गाइस आप इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया, 30,000 आपका आ गया। इसको गाइस आप दोबारा बांट दो, किसमें, ए में बांट दो और सी में बांट दो। कौन सी रेशियो बांट रहा है गाइस, न्यू पीएसआर में गाइस आप इसको बांट दो। आपको होगा गाइस ऐसा क्यों करा, गाइस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस टू हमें यही बताता है, जो भी गाइस आपका बैलेंस शीट आता है रिमेनिंग पार्टनर का, उसको गाइस आप रफ में लिख लो, उसको ऐड कर लो और फिर दोबारा रिमेनिंग पार्टनर बांट दो। कौन से रेशियो में गाइस, न्यू पीएसआर में। सपोज कर लो गाइस यहां पे तीन पार्टनर है हमारे, ए बी सी, इनकी रेशियो मान लो 5:4:1 है, ठीक है। बी का हो रहा है रिटायरमेंट, तो हमारी न्यू रेशियो किसकी आएगी, ए और सी की, कितनी, 5:1। तो गाइस ये 30,000 है, ये 5:1 में बढ़ जाएगा, यानी कि 30,000 में ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 5/6, 5 और 1 6। ऐसे गाइस 30,000 में सी को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/6। सोल्व करा लो गाइस, ये कितना आ जाएगा, 5,000, इधर भी कितना आ जाएगा, 5,000। इस 5,000 में बटाइए 5 से करा दो, कितना आ गया, 25,000। और यहां पे कितना आ जाएगा, 5,000। जो गाइस ये आया आपका 25,000 और ये 5,000, ये आया है गाइस आपका क्या, बैलेंस सीडी। इसको आप यहाँ पे लिखोगे, कितना, 25,000 यहाँ पे लिख दोगे और 5,000 यहाँ पे लिख दोगे, ना कि इसको लिखोगे। और ऐसा क्यों हमने करा, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस टू आपको यही बताता है। तो गाइस कई बच्चों का यहाँ पे ये डाउट होगा कि हमें कैसे पता चलेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का यहाँ पे केस टू लग रहा है, तो गाइस वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जहां भी आपको ये लाइन मिले आप समझ जाना वहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस टू लग रहा है। लाइन क्या है, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गाइस यहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जगह वो न्यू पीएसआर भी बोल सकता है और यहां रिमेनिंग पार्टनर की जगह वो आपको कंटिन्यू पार्टनर भी बोल सकता है। तो गाइस आप समझ जाना यहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस टू लग रहा है। उसके बाद गाइस ये लाइन आपको केस 1, केस 2 और केस 3 में मिलेगी। लाइन क्या है गाइस, इफ एनी सरप्लस और डेफिसिट टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट या कैश अकाउंट। गाइस या तो करंट अकाउंट गिवन होगा आपको क्वेश्चन में या कैश अकाउंट, अगर गाइस दोनों में से कोई अकाउंट गिवन नहीं है तो गाइस आप पैसा कहां ट्रांसफर कर दोगे, कैश अकाउंट में। बहुत बच्चों की गाइस मेरे पास क्वेरी आती है कि सरप्लस अकाउंट क्या है, ये डेफिसिट क्या है। तो चलिए गाइस इसको मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, वैसे मैंने चैप्टर एडमिशन में क्लियर करा रखा है लेकिन एक बार फिर मैं आपके लिए क्लियर करा देता हूँ कि सरप्लस क्या है, डेफिसिट क्या है। सपोज करो गाइस जब आपने टोटल किया ए का, तो इस साइड कितना आ रहा है, 25,000 और इधर कितना आ रहा है, 20,000। और गाइस हमें पता है कि हमें ये बैलेंस इक्वल करने होते हैं, तो गाइस मैंने इधर ही 25,000 रुपए लिख दिया और इधर ही मैंने 25,000 रुपए लिख दिया, लेकिन गाइस इधर मुझे 5,000 रुपए और लिखने पड़ेंगे। और वैसे ये 5,000 किस नाम से लिखे जाएंगे, कैश के नाम से या करंट अकाउंट के नाम से। क्वेश्चन में गाइस आपको गिवन होगा कैश लिखना है या करंट लिखना है, तो गाइस ये 5,000 क्या कहलाता है गाइस, डेफिसिट अमाउंट। क्लियर है गाइस, अगर यही आपके 5,000 इधर आ जाते तो गाइस लिखते तो हम इसे टू कैश या करंट अकाउंट के नाम से, लेकिन गाइस ये आपके क्या आ जाती, एक्सेस अमाउंट। आई होप गाइस अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस एक बार फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस टू डिस्कस कर लेते हैं। केस टू हमें क्या कहता है कि जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो वैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो भी आपका बैलेंस शीट आएगा उसको आप रफ में लिख लो। मान लो हमारा ए का है 10,000 और सी का आ रहा है गाइस हमारा 20,000, हमने रफ में लिख लिया, हमने दोनों को ऐड कर लिया। उसके बाद हम दोबारा इसे ए और सी में बांट देंगे, कौन सी रेशियो में गाइस, न्यू पीएसआर है, हम बांट देंगे। न्यू पीएसआर कैसे आई थी वो हमने निकाल ली थी। उसके बाद जो भी गाइस आएगा ये हमारा बैलेंस शीट आएगा और इसको हम यहां पे
लिख देंगे। क्लियर है गाइस? उसके बाद वैसे हम बैलेंस करेंगे, अगर कोई भी हमारी डेबिट आती है तो उसे हम कैश या करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे, अगर इधर हमारी कोई एक्सेस आती है तो उसे हम टू कैश या करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे। तो चलिए गाइस हम एक क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद गाइस आपको कोई भी डाउट नहीं रहने का। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन्हें लगता है कि क्वेश्चन कर सकते हैं वो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। गाइस में तीन पार्टनर हैं, अमित है, बालन है और चंद्र है, उनकी रेशियो दे रखी है गाइस 1/2, 1/3 और 1/6। अच्छा मुझे बताओ ये क्या रेशियो की सही है? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। सबसे पहले गाइस हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। सेम कैसे होगा गाइस? 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लो, 2 × 2 3 एज इट इज और 2 × 3 = 6। ठीक है गाइस, 3 × 3 = 3। तो एलसीएम कितना आएगा गाइस इनका? इनका एलसीएम आ रहा है गाइस 6। तो हमारा एलसीएम ले लो यहां पे 6, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 1 एज इज 6 × 1 = 6, 1 × 1 = 1। तो गाइस हमारी 2:1 ये गाइस आपकी सही रेशियो है। उसके बाद गाइस आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के बाद गाइस आपको 6 एडजस्टमेंट दे रखे हैं और एडजस्टमेंट के बाद गाइस आपको बताया गया है रिवेल्यूशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो चलिए गाइस हम रिवेल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो गाइस हमने रिवेल्यूशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बना लिया है और रूम के की हमने बैलेंस शीट भी बना ली है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूम का जिन जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हमारे हमारे बैलेंस शीट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस लायबिलिटी की साइड आ लो, क्रेडिटर्स जो हमारे न्यू वाले बैलेंस शीट में जाएंगे, प्रोविडेंट फंड न्यू वाले बैलेंस शीट में जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा गाइस जनरल रिजर्व, और गाइस जनरल रिजर्व हमारे बढ़ जाते हैं कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। किस साइड? बाय की साइड। कौन सी रेशियो में बढ़ेंगे गाइस? ओल्ड रेशियो में। तो बांटो बताओ क्या आ रहा है हमारे जनरल रिजर्व कितने हैं गाइस? 9000 के। ए को कितना हिस्सा मिलेगा गाइस? 9000 का 3 3 का ऐड किया अपॉन में 6, ऐसे ही बी का, ऐसे ही सी का, 6 से 9000 का कट होता है 1500, तो यहां ही 1500, यहां ही 1500, 1500 की मल्टीप्लाई 3 से कराया 4500, 3000 और 1500। तो गाइस ए बी सी का हिस्सा आ गया जनरल रिजर्व में, हमने लिख दिया। उसके बाद गाइस लायबिलिटी में सबसे लास्ट में दे रखी है कैपिटल, और गाइस हमें पता है कहां पे ट्रांसफर हो जाती है कैपिटल अकाउंट में, किस नाम से? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ए का कितना हिस्सा आएगा गाइस? 40000। बी का कितना आएगा गाइस हिस्सा? 36500। और गाइस सी का हिस्सा कितना है? 20000। क्लियर गाइस? उसके बाद एसेट्स की साइड आ जाओ, अगर गाइस यहां पे गुडविल दे रखी होती या कुछ यहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होता तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड गाइस वो बढ़ जाता है ए बी सी में, और कौन से रेशियो में गाइस? वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाना था। क्लियर है गाइस? लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो गाइस हम अपने एडजस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। लेकिन गाइस मुझे बताओ इसमें रिटायरमेंट किसका हो रहा है? बैलेंस शीट के ऊपर देखो, यहां पे गाइस चंद्र का रिटायरमेंट हो रहा है, इसका रिटायरमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो फर्स्ट एडिशन में क्या है गाइस? गुडविल की जो वैल्यू है गाइस 27000 रुपए की है। ठीक है, तो गुडविल में इसका हिस्सा कितना है गाइस? हम वो निकाल लेंगे, और वो हिस्सा कौन देगा गाइस? ए और बी देंगे। तो चलिए गाइस वो हिस्सा निकाल लेते हैं, गुडविल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो गुडविल कितनी दे रखी है? 27000 रुपए की। और गाइस यहां पे रिटायर कौन हो रहा है? यहां पे गाइस सी रिटायर हो रहा है। तो गुडविल में सी का हिस्सा कैसे निकाल लेंगे गाइस हम? 27000 लिख दो गाइस आप, 27000 में सी का हिस्सा कितना है? 1 3 पर ऐड किया अपॉन में 6, तो कितना आ गया गाइस? 4500 रुपए आ गया, यानी कि ए और बी 4500 रुपए देंगे। किसको गाइस? सी को देंगे। क्यों? क्योंकि उसका गाइस रिटायरमेंट हो रहा है। और गाइस कौन से रेशियो में देंगे? ये देंगे गाइस गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो गाइस कैसे निकलती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमारे पास गाइस ओल्ड रेशियो तो गिवन है, लेकिन यहां पे न्यू रेशियो गिवन नहीं है। और गाइस न्यू रेशियो कैसे निकलती है? मैंने उसके दो केस करा रखे हैं, अगर गाइस आपको दोनों केस पढ़ने हैं अच्छी बात है, वरना गाइस आपको उनकी वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो गाइस यहां पे केस फर्स्ट लग जाएगा, और केस फर्स्ट की हेल्प से आप न्यू रेशियो निकाल लोगे, उसके बाद आप गेनिंग रेशियो निकाल लोगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। अच्छा, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप गेनिंग रेशियो निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे? जहां भी गाइस केस फर्स्ट लगता है, मैंने बता रखा है ना कि जो भी गाइस आपकी न्यू रेशियो होगी वही आपकी क्या हो जाएगी? गेनिंग रेशियो। तो गाइस न्यू रेशियो यहां पे कैसे आएगी? सी का यहां पे रिटायरमेंट हो रहा है तो सी को कर लो बंद, बचा कौन? ए और बी। तो रेशियो कितनी आ गई? 3:2, यानी कि गाइस 4500 में से ए कितना हिस्सा देगा? 3/5,
5 और रेस 4500 में से बी कितना हिस्सा देगा 2 दोनों को ऐड करेंगे अपॉन में 5 इसको भाई साहब सॉल्व करा लो मैंने निकाल लिया है ए कितना देगा 2700 और बी कितना देगा 1800 अच्छा अगर मैं इसकी जनरल एंट्री करके दिखाओ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी जनरल एंट्री आपके सामने ये रही रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर कौन है गाइस ए और बी ये हमने डेबिट कर दिया है रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट सी है ये हमने क्रेडिट कर दिया सिंपली गाइस ये अमाउंट हम यहां लिख देंगे ए के कॉलम में गाइस कितनी आएगी 2700 और बी के कॉलम में कितनी आएगी गाइस 1800 और सी के में आएगी गाइस 4500 अच्छा गाइस अब इसकी हम पोस्टिंग कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करते हैं गाइस यहां पे ये दोनों कौन हो रहे हैं डेबिट तो ए के कॉलम में कितने चले जाएंगे 2700 रुपए और बी के कॉलम में चले जाएंगे 1800 रुपए और नाम किसका आएगा गाइस नाम आएगा यहां पे सीस कैपिटल का उसके बाद गाइस यहां पे सी क्या हो रहा है क्रेडिट तो सी के खाते में पैसे आएंगे कितने 2700 रुपए किस नाम से आएंगे ये आएंगे गाइस आपके ए कैपिटल के नाम से ठीक है उसके बाद 1800 आएंगे 1800 किस नाम से आएंगे गाइस ये आएंगे गाइस आपके 20 कैपिटल के नाम से क्लियर है गाइस बहुत बच्चे की जनरल एंट्री में कंफ्यूज होते हैं इसकी पोस्टिंग में कंफ्यूज होते हैं तो गाइस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा उसके बाद गाइस सेकंड एडजस्टमेंट देखो सेकंड एडजस्टमेंट क्या है कैटेगरी के ऊपर गाइस डेप लग रहा है कितने गाइस 10% का डेप लग रहा है तो गाइस 10% निकालो मशीनरी की वैल्यू कितनी है 48000 की 10% निकाल लो 10% लिखा परसेंटेज घटा के अपॉन में 100 हमने लिख दिया इसको गाइस सॉल्व करा लो कितना आ गया 4800 यानी कि गाइस मशीनरी में इतनी वैल्यू कम हो गई तो गाइस ये कहां पे जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस साइड टू की साइड क्यों अगर एसेट्स में कमी होते हैं हम टू की साइड लिख 4800 साथ के साथ गाइस आप इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दो ठीक है तो मशीनरी की वैल्यू है कितनी गाइस 48000 लेस हम कर देते हैं इसमें 4800 तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 43200 की उसके बाद गाइस थर्ड एडजस्टमेंट देखो पेटेंट की वैल्यू रिड्यूस हुई है कितने से 20% से तो गाइस पेटेंट का 20% निकाल लो और बताओ मुझे क्या अमाउंट आ रही है पेटेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000 रुपए उसका गाइस 20% कम हो रहा है 20 लिखो परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 हमने गाइस इसको सोल्व करा लिया हमारा कितनी आ रही है 1000 यानी पेटेंट की वैल्यू 1000 से कम हो गई है और पेटेंट क्या है गाइस एक एसेट्स है और एसेट्स में कोई कमी होगी तो इस साइड हम लिख देंगे कितने गाइस 1000 साथ के साथ गाइस आप इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दो बैलेंस शीट में गाइस क्या लिखोगे पेटेंट है कितने गाइस पुराने वाली बैलेंस शीट में 5000 रुपए 1000 की वैल्यू कम होगी है तो कितनी आ जाएगी 4000 हमारी वैल्यू आ जाएगी उसके बाद गाइस आपको प्रोविडेंट फंड की एस्टिमेट वैल्यू दे रखी है कितने गाइस 2400 रुपए की पुराने वाली बैलेंस शीट में देखो गाइस प्रोविडेंट फंड आपको कितने में दे रखे हैं गाइस 3000 रुपए के और गाइस ये प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बढ़ते ये एज इट इज आपके न्यू वाली बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं लेकिन गाइस अब कितने लिखे जाएंगे सिर्फ 2400 रुपए क्यों क्योंकि भाई 600 रुपए से इसकी वैल्यू कम हो गई है पहले 3000 थे ना अब कितना हो गया 2400 रुपए तो 600 से इसकी वैल्यू क्या हो गई कम हो गई है और प्रोविडेंट फंड क्या है गाइस एक लायबिलिटी है जिसकी वैल्यू में कमी आई है तो प्रोविडेंट फंड आप यहां पे लिख दोगे 600 रुपए क्लियर है गाइस उसके बाद गाइस चंद्र ने इन्वेस्टमेंट टू कवर कर लिया कितने गाइस 15800 की तो गाइस कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे आप यहां पे टू की साइड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और सी के कॉलम में डाल दोगे पैसे कितने गाइस 15800 लेकिन गाइस इन्वेस्टमेंट आपकी थी कितने की इन्वेस्टमेंट थी गाइस हमारी 10000 रुपए की और चंद्र ने गाइस कितने की ले ली वो 15800 की तो गाइस हमें तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया ना कितने का प्रॉफिट हुआ गाइस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 5800 का यानी कि उसकी वैल्यू में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया है तो उसको हम इस साइड लिखेंगे इन्वेस्टमेंट लिखो गाइस आप और कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5800 जिसका मुझे था इंतजार वो पॉइंट आ गया तो भाई 6th पॉइंट में देखो यहाँ पे बता रखा है कि जो अमित है और बर्न उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एडजस्ट करेंगे अपनी कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर है गाइस अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट को छोड़ो अभी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में गाइस टोटल करके बताओ मुझे क्या आ रहा है और भाई जो भी आपका कैपिटल अकाउंट का टोटल आएगा इधर बैलेंस शीट उसको आप हां लिखोगे रफ में जल्दी से करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर लिया इस साइड का हमारा आ रहा है 6400 और इस साइड का है 5800 तो भाई ज्यादा कौन सा है ये वाला तो हमने दोनों साइड ही लिख लिया है कमी किस साइड आ रही है इस साइड तो ज्यादा वाले में से कम एनालाइज कर दो कितनी कमी आएगी 600 रुपए की तो गाइस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हम इसको लिख देंगे और गाइस ए बी सी में ये बढ़ जाएगी कौन से रेशियो में 3:2:1 में ए को कितना आएगा गाइस 3/6
बी को 2/6 और सी को 1/6। तो गाइस 600 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, सोल्व कर लेना। ए का हिस्सा आएगा 300, बी का 200 और सी का 100 रुपए। और गाइस इसको हम कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में इस साइड। अगर ये इस साइड आता बैलेंस तो हम इस साइड इसको ट्रांसफर कर देते, लेकिन अगर ये इस साइड आ रहा है तो हम इस साइड इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से 300, 200 और 100 रुपए। अधिकतर गाइस हमारा कैपिटल अकाउंट भी हो चुका है कंप्लीट, तो मैंने गाइस इसका भी टोटल कर लिया है। तो गाइस ए का टोटल मेरा इस साइड का ये आ रहा है और इस साइड का मेरा ये आ रहा है, लेकिन गाइस जो हमारा बैलेंस सीडी निकलेगा वो कहां पे निकलेगा, रफ में। क्यों? क्योंकि यहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 2 लग रहा है। इसका क्या मतलब है गाइस कि हमारा जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा यहां पे नहीं लिखेंगे, उसको हम रफ में लिखेंगे। तो गाइस ज्यादा वाले में से आप कमा लेस कर दो, आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा जिसको हम रफ में लिखेंगे। मैंने गाइस लिखा हुआ है, ज्यादा वाले में से कमा लेस कर दिया, तो गाइस ये हमारी क्या आ गई है कमी, यानी कि ये हमारा क्या आ गया है गाइस बैलेंस सीडी जो कि हमने रफ में लिखा हुआ है। ऐसे गाइस हम बी का कर देंगे, ज्यादा वाले में से कमरा लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंस सीडी बी का। उसके बाद गाइस सी का करेंगे, लेकिन जो गाइस सी का बैलेंस सीड आएगा वो कहां जाएगा गाइस, उसके लोन अकाउंट में। तो गाइस मैंने यहां पे दैट टू सी लोन अकाउंट और यहां सी के कॉलम पैसे लिख दिए हैं। अगर गाइस यहां पे बोल रहा होता कि सी कौन पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो गाइस यहां पे टू कैश आता, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए हम उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद गाइस जो ए और बी का बैलेंस शीट हमने निकाला था रफ में, उसका हम क्या करते हैं कि उसको गाइस हम ऐड कर देते हैं। तो गाइस मैंने दोनों ऐड कर दिए, मेरा कितना आ गया गाइस 80,000। अब गाइस इसका हम क्या करेंगे, इसको दोबारा हम ए और बी में गाइस बांट देंगे। कौन सी रेशियो बांटते हैं गाइस, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू पीएसआर में। तो न्यू पीएसआर हमारी कितनी आई थी 3:2, यानी कि 3:2 में बढ़ जाएगा ए और बी में। तो गाइस ए को कितना हिस्सा मिलेगा 80,000 का 3/5, 3 दोनों को ऐड किया अपॉन में 5। ऐसे गाइस बी को कितना हिस्सा मिलेगा 80,000 का 2/5। अब गाइस इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे ए और बी का क्या बैलेंस सीडी आ रहा है। मैंने सॉल्व करा लिया है, ए का जो न्यू बैलेंस सीडी है वो कितना है 48,000 और बी का 32,000। तो गाइस इसको हम पोस्टिंग कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो इसको कितने आ रहे गाइस 48,000 और बी कितना आ रहा है गाइस 32,000। क्या गाइस हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है? नहीं, क्योंकि गाइस इसमें सरप्लस अमाउंट भी निकलेगी और डेफिसिट अमाउंट भी निकलेगी। वो कैसे निकलती है वो भी हम देख लेते हैं। तो गाइस अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो गाइस न्यू टोटल नहीं करते, इसलिए गाइस उनकी डेफिसिट और सरप्लस अमाउंट नहीं आती। जैसे गाइस आपका ये बैलेंस शीट अमाउंट आई है ना, इसको गाइस हमने ट्रांसफर कर दिया। अब गाइस इस साइड का टोटल हम दोबारा करेंगे, तो जब गाइस हमने इधर टोटल दोबारा किया तो हमारा कितना आ रहा है 50,700, यानी 50,700। तो गाइस इस हम 2700 को मिटा देंगे, ऐसे गाइस हम 1800 को भी मिटा देंगे और इसे भी हम मिटा देंगे। इसका तो गाइस रिटायरमेंट ही हो गया था, तो ये तो हमारा सोल्व भी हो गया था ना, इसे छोड़ दो। तो ऐसे करें ए और बी का दोबारा टोटल किया, तो हमारा इस साइड का ये आ रहा है और इस साइड का तो गाइस यही रहेगा। तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है गाइस, ये रहता है, तो हम इसको दोनों साइड लिख देंगे। बी का जो टोटल है इस साइड का ये आ रहा है और इस साइड का ये आ रहा है, तो ज्यादा कौन सा गाइस ये रहता है ना, तो इसको हमने दोनों साइड गाइस लिख दिया। तो भाई मैंने ज्यादा वाले में जब कम वाले को लेस किया तो गाइस मेरा आंसर कितना आ रहा 5,900। कमी किस साइड आई, इस साइड, तो मैंने लिख दिया 5,900। और इस कमी को हम किस नाम से लिखेंगे भाई, करंट अकाउंट के नाम से। क्यों? क्यों भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ओपनिंग करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के नाम से मैंने लिख दिया। ऐसे गए जो बी का टोटल था वो इस साइड ज्यादा आ रहा था, ठीक है, तो ज्यादा वाले में से ये वाली कम वाली अमाउंट मैंने लेस कर दी, तो कितना आ गया 5,900। इसको गाइस हम यहां पे लिख दें किस नाम से, करंट अकाउंट के नाम से। तो भाई जो बैलेंस शीट में फिगर बचा है इसका मतलब क्या है गाइस, कि हमारा आ रहा है सरप्लस और इधर हमारा क्या आ रहा है डेफिसिट। तो गाइस रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमारा हो चुका है कंप्लीट। अगर आप गाइस कोई भी क्वेरी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं गाइस आपसे एक बात जरूर कहूंगा गाइस, नए कांसेप्ट है ये आपके लिए और पहली बार किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, तो गाइस पेशेंस के साथ पढ़ें और गाइस थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो गाइस इस वीडियो कम से कम आप गाइस 2 या 3 बार जरूर देखिए, मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूं गाइस आपको समझ में आने लगेगा। तो गाइस चलिए अपनी बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस ये न्यू वाली बैलेंस शीट किसको देख के बनाई जाती है बताओ, किसको देख के बनाई जाती है, ओल्ड वाली बैलेंस शीट को देख के बनाई जाती है। तो गाइस ओल्ड वाली बैलेंस शीट को देखो, लायबिलिटीज साइड सबसे पहले क्या दे रखे हैं गाइस, क्रेडिटर्स। तो गाइस आप क्रेडिटर्स लिख लो और क्रेडिटर्स की अमाउंट गाइस कितने की है 12,600 की है। और गाइस इसकी वैल्यू में ना ही कोई इंक्रीमेंट हुआ है और ना इसकी वैल्यू में कोई कमी आई है, तो गाइस एज इट इज हम इसको लिख देंगे। उसके बाद गाइस प्रोविडेंट फंड दे रखे हैं, प्रोविडेंट फंड हमने लिख दिए हैं। उसके बाद गाइस जनरल रिजर्व दे रखा था, जनरल रिजर्व हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर
कर दिया था। उसके बाद गाइस कैपिटल दे रखा है, तो गाइस हम कैपिटल लिख लेंगे। किस किस के आएगा कैपिटल? ए की और बी की, क्यों? ये दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। तो कितना आया था गाइस बैलेंस शीट इनका? ये जो गाइस बैलेंस शीट आता है ना, ये कहां पे चला जाता है? बैलेंस शीट में। तो 48,000 गाइस ये हो गए और 32,000 ये हो गए। टोटल करके कितना गाइस? 80,000। उसके बाद कुछ नहीं है गाइस, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो गाइस लोन है ना, लोन सी का, ये भी यहां पे ट्रांसफर होगा। किस नाम से? सी लोन अकाउंट के नाम से। कितनी अमाउंट है गाइस? 10,300। उसके बाद गाइस ये करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट गाइस कहां पे जाएगा? ये भी करंट अकाउंट गाइस आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, लायबिलिटी की साइड। कितना है गाइस ये? 5,900। उसके बाद गाइस इधर भी करंट अकाउंट है, ये भी करंट अकाउंट जाएगा। ये किस साइड जाएगा गाइस? एसेट्स की साइड जाएगा। अमाउंट है गाइस 5,900। क्लियर है गाइस? उसके बाद एसेट की साइड देखो, वही साइड देखो, एसेट साइड क्या-क्या अमाउंट दे रखी है। एसेट की गाइस सबसे पहले अमाउंट देखो क्या दे रखी है गाइस आपको, बैंक की अमाउंट दे रखी है। तो वही एक एज इट इज लिखी जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू में ना कोई कमी हुई है और ना ही कोई इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद गाइस डेटर, डेटर भी लिख लो गाइस आप एज इट इज। डेटर हमारे कितने के आ जाएंगे गाइस? 30,000 के थे ना ये। उसके बाद इसमें से लेस हो रहा था क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने गाइस? 1,000 का लेस हो रहा था। तो 29,000 के हमारे एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद गाइस स्टॉक दे रखा है, स्टॉक गाइस हमारा एज इट इज आ जाएगा कितने का? 25,000 का। उसके बाद गाइस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो गाइस ले गया था ना कौन? सी ले गया था, तो ये नहीं आ जाएगी। उसके बाद गाइस पेटेंट, पेटेंट गाइस हमने पहले ही लिख दिए थे। उसके बाद गाइस मशीनरी, मशीनरी भी हमने पहले ही लिख दी थी। तो गाइस बैलेंस शीट भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो गाइस टोटल करके बताओ क्या टोटल आ रहा है इसका? तो गाइस हमने बैलेंस शीट टोटल कर लिया है, टोटल हमारा दोनों साइड का इक्वल आ रहा है कितना? 1,00,000। मोटिवेट करता है कि हम और अच्छी-अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएं। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी जगह शेयर कर दीजिए। क्या होता है आपके एक शेयर से उस बच्चे के अकाउंट में अच्छे नंबर आ जाए जो दूसरों की भी सपोर्ट नहीं कर सकता। और अगर आपको कोई भी सजेशन है एमएस क्लासेस के लिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।